आज अंतर्राष्ट्रीय योगा सातवां योगा दिवस के रूप में हम लोग दीनदयाल नगर टोली के समुदाय भवन में योग किए हैं लोग, और इस योग के माध्यम से सिवान शहरवासी, बिहारवासी और पूरे देशवासी को ये लोग संदेश दे रहे हैं कि योग से ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप योग करेंगे तो कोरोना जैसे महामारी से भी दूर रहेंगे। और योग ऐसा एक आसन है जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा निजात किया हुआ ये आसन है, और योग के माध्यम से बहुत सारे आसन भी है, और आसन करने से आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। इसलिए सभी को नित्य दिन प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा योग जरूर करना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की, और इस अवसर पर मैं अपने देशवासी, सिवानवासी सभी लोगों से, खासकर युवाओं से, बुजुर्गों से, सभी लोगों से कहूँगा कि आप सभी लोग योग करें और स्वस्थ रहें। ये 7th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हम लोग आज यहाँ सिवान में जो योगा मना रहे हैं, ये एक अद्भुत चीज़ है। इस तरह से आयोजन आज कोरोना काल में बहुत कम जगह पर पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बबलू जी का और तमाम यहाँ आए हुए लोगों को, गौरव जी हैं, विक्की जी, प्रभात जी, विद्रोही जी, इन लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया। आप मीडिया के लोग हैं, आप देख सकते हैं इतने भारी संख्या में नौजवान कहीं भी, अभी सारे लोग डिजिटल कर रहे हैं, लेकिन ये एक अद्भुत चीज़ है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ यहाँ के सारे नौजवानों से कम 40 मिनट योगा करें, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो संदेश है कि योग से ही हम अपने मन को, शरीर को और इस देश को स्वस्थ रख सकते हैं, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो अपने राष्ट्र के लिए काम करेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि योग को अपनाना चाहिए। आज पूरा विश्व इसको अपना रहा है, तो मेरा आग्रह है कि यहाँ के जितने भी नौजवान छात्र हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे ये विनम्र निवेदन है कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और कम से कम 40 मिनट सारा काम छोड़ के सुबह योग करें और अपनी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएं। नीरज तिवारी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबको सिवानवासियों की शुभकामना देते हैं, और कोरोना की महामारी में जिस प्रकार से लॉकडाउन में हर परिवार लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घर में रह रहे हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि एक घंटे योग के लिए समय निकालें। आज योग दिवस है, योग दिवस के अवसर पर युवा साथियों से अपील करते हैं कि योग से ही कोरोना जैसे महामारी से हम लोग निपटारा कर सकते हैं। योग के माध्यम से हम लोग निरोग रह सकते हैं, और योगा ही एक माध्यम है हर बीमारी से हम दूर करने का, योगा ही एक माध्यम है। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।